असत्य पर सत्य की विजय का पर्व दशहरा पारंपरिक तरीके एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उपखंड मुख्यालय पर बुधवार शाम को भारी जन सैलाब की उपस्थिति में रावण दहन किया गया। बालोतरा नगर परिषद की ओर से आयोजित कार्यक्रम में 50 फीट का रावण और 35-35 फीट के कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाए गए। नगर परिषद की ओर से आयोजित समारोह में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, पचपदरा विधायक मदन प्रजापत, बालोतरा नगर परिषद सभापति सुमित्रा जैन, उपखंड अधिकारी नरेश सोनी और प्रतिपक्ष नेता महबूब खां, आयुक्त दुर्गेश रावल उपस्थित रहे। लूणी नदी किनारे छतरियों के मोर्चे पर भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान की शोभा यात्रा पहुंची। अतिथियों द्वारा राम और लक्ष्मण की पूजा अर्चना की गई। सायं 6:20 पर रिमोट से रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया गया। इसके बाद रावण वध का चित्रण किया गया। रावण दहन के साथ ही पूरा परिसर जय श्री राम के नारे से गुंजायमान हो गया। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण। रावण किसी भी प्रकार की अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए मौके पर नगर परिषद का दमकल वाहन और बालोतरा पुलिस थाना अधिकारी उगम राज सोनी महजाप्ता मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा नेता गणपत बाठिया, गोविंद सिंह कालूड़ी, पार्षद दुर्गा देवी, लाला राम, हनुमान पालीवाल, उमाराम पटेल, गोविंद जीनगढ़, धनराज घाची सहित बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे। साथ ही कार्यक्रम के दौरान नगर परिषद की ओर से राम, लक्ष्मण और हनुमान की झांकी में भाग लेने वाले कलाकारों को अतिथियों ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।